मैं तो मैं तो उम्मती हूँ उम्मती ऐ हूँ ऐ शाहे शाहे उमम, उमम, कर दे कर मेरे दे मेरे आका अब आका नजरे करम। जुलूम के बोझ मिटाओ। रमजान का महीना, मालदारों को ज़कात दो। मालदारों से कहता हूँ, ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात से बढ़ के दो। ज़कात देने वाला सखी भी नहीं, बखील भी नहीं। सखी भी नहीं, बखील भी नहीं। सखी भी नहीं है, बखील भी नहीं। ज़कात से ऊपर जाने वाला सखी कहलाता है, और अल्लाह को सखावत बड़ी पसंद है। सखावत बड़ी पसंद। किसरा नौशेरवान, उसने बड़े धड़ल्ले से हुकूमत की। खुसरो परवेज, जालिम, सफ़ाक, अल्लाह के नबी का खत फाड़ा, फिर ज़बान आया। लेकिन उसकी हुकूमत इतनी ताकतवर हुकूमत बनी कि दुनिया में चंद लोगों ने ऐसी हुकूमत की है। उसके पीछे क्या था? वो कम वक्त सखी बहुत थे। सखी था, सखावत ने उसके झंडे लहरा दिए, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। एक मछेरा आया, मछेरा मछली बेचने वाला, बादशाह को मछली पसंद आई। कहने का 4,000 दीनार दे दिए जाए। 4,000 दीनार कोई 70-80 करोड़ बनता है, 40-50 करोड़ बनता है। तो उसकी बेगम शीरी, जिसके नाम से फरहाद मशहूर है, फर्जी कहानी है, उस शीरी ने कहा, आपने एक मछली वाले को 4,000 दे दिया, कल को आप किसी जर्नैल को 4,000 दोगे तो वो कहेगा, वो तो मछली वाले को 4,000 दिया तो मेरी तो कोई कदर ना हुई। वो कहने लगे, मैं दे चुका हूँ, मैं वापस नहीं लूंगा। कहा, मैं आपको तरीका बताती हूँ। अभी उसके कान में कह रहे, आप उसे कहो कि ये मछली नर है या मादा। अगर उसका ये नर है तो आप कहना, हमें मादा चाहिए थी, मछली वापस करो। अगर उसका ये मादा है तो आप कहना, हमें नर चाहिए था, मछली वापस दो, हमें हमारे पैसे दो। अब वो जो अल्लाह से नहीं डरता, बीवी से डरता है, तो उसने कहा, भाई बुलाओ बुलाओ। वो आ गया। हाँ भाई, ये मछली नर है या मादा? उसने मलका को देख लिया तो गुजर गुजर करते, वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि ओहदा पुत्र आए। कहा, हुजूर, ना ये नर है या ना ये मादा, ये खुसरा है। उसने कहा, इसको 4,000 और दे दो। मलका को तो चढ़ा गुस्सा। अब वो कागज नहीं था, सिक्का, यार एक सिक्का गिर गया, एक सिक्का गिर गया, तुझे वो भी उठा लिया। तो मलका को तो तब चढ़ी थी, लेकिन कितना ये कम वक्त हरीस है कि 8,000 लेके जा रहा है, इसकी 7 पुश्तें नहीं खत्म कर सकती, और एक सिक्का गिरा वो भी नहीं छोड़ा, ये बहुत ताकतवर है, इसे सारा वापस ले लो। बादशाह ने फिर उसे वापस बुलाया, अबे ये एक सिक्का जो गिर गया था तो क्यों उठाया? का हुजूर, इस पे आपके नाम की मोहर थी, किसी का पाँव आ जाता तो बेअदबी होते, मैंने इसलिए उठाया। उनका 4,000 और दे। भाइयो, तुम सब मुसलमान बैठे हो, सखी बनो बखील न बनो, सखी बनो बखील न बनो। वैसे मेमन मशहूर हैं और शेख मशहूर हैं बुखल में, लेकिन आज